महानगर के वार्ड नंबर 39 धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज के बगल से सुभाष ट्रैक्टर की तरफ से जाने वाले रास्ते तथा महापौर कैंप कार्यालय के आगे भरत मिलाप चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया, जिसके कारण कई महीनों से आवागमन बाधित हो रहा है तथा दुर्घटना का भय बना रहता है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज ने जब धर्मशाला बाजार के पार्षद छठी लाल उर्फ बबलू गुप्ता से बात की तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के XEN के ऊपर डाल दिया और कहा कि क्षेत्र की जनता परेशान है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी इसकी सुधि नहीं ले रहा है। इस संबंध में जब दूरभाष से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के XEN SK सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले सड़क का निर्माण हॉट मिक्स प्लांट से होना था, लेकिन उस स्थल पर वाटर लॉगिंग होने के कारण अब वहां पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा जो रविवार से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद छठी लाल गुप्ता और दूरभाष पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के XEN SK सिंह ने बताया। बबलू प्रसाद गुप्ता, पार्षद धर्मशाला बाजार। पहले तो मैंने कई बार RS विभाग के अधिकारी को मैं कहा हूँ कि ये रोड कब बनेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाते हैं लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 महीना हो गया इस रोड के लोकार्पण किए हुए, जो हमारे 2 रोड का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ था, और दोनों काम अधूरा पड़ा हुआ और मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है। मैं शिकायत कई बार कर चुका हूँ RS विभाग के जो XEN साहब हैं, सरेंद्र सिंह साहब, और माननीय महापौर जी भी कई बार फ़ोन किए, कोई जवाब दे ही नहीं, कोई रुचि नहीं लेते इस काम पे। आई काम पे देख लीजिए, अभी भी गिट्टी उट्टी सब उखड़ रही है, देख लीजिए हमारी गिट्टी सब उखड़ रही रोड की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द काम हो जाए और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये जो धर्मशाला वाला है उसमें इंटरलॉकिंग लग रही है, और उसके आगे जो भरत मिलाप के लिए जा रहा है रोड जी, उससे भी इंटरलॉकिंग लग रही है, गिट्टी बिछा दी गई है। ये 6 महीने से ऊपर हो गया सर गिट्टी बिछे हुए, ये बताओ। आपको आप आश्वासन देते हैं कि संडे से कार्य शुरू हो जाएगा? दोनों दोनों।